नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनु और आज हम बात करेंगे हार्मोन से रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स के बारे में एक के बाद एक। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओडी आज के समय की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और पिछले 20 साल की प्रैक्टिस में जो पहले 20 में से एक पेशेंट कभी आता था, तो आज की डेट में हर रोज़ करीब 5 से 7 पेशेंट हम पीसीओडी के अपनी ओपीडीज़ में देख रहे हैं। इनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और भारतीय की जो संपन्नता बढ़ रही है उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि पीसीओडी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। क्या है पीसीओडी, क्यों होती है पीसीओडी, क्या है इसके कारण, तब हम जानेंगे इसके निवारण। तो पहले ये जानते हैं कि यह बच्चेदानी है, दोनों तरफ नलियां होती हैं, दोनों तरफ ओवरीज हैं और वजाइना है। यह जानना ज़रूरी है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हर महीने अगर हम एक महिला के पीरियड को 28 दिन में बांटें, यूजुअली ज़्यादातर महिलाओं का जो पीरियड आता है वो 28 से 30 दिन में आता है, जो उनका पीरियड का पहला दिन है, जिस दिन पीरियड महीना शुरू हुआ, ब्लड आना शुरू हुआ, उसको ही पहला दिन मानते हैं। और पीरियड के 14वें दिन के करीब अंडा फूटता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपकी साइकिल 28 से 30 दिन की है तो शुरुआत से एक अंडा बनना शुरू होता है और इसको जब हार्मोन्स मिलते हैं ईस्ट्रोजन, जो एक महिला को रखने के हार्मोन्स होते हैं, महिला के स्त्रीत्व फेमिनिटी को बनाने का हार्मोन होता है, यह लगातार बढ़ता है और अंडे का यह साइज़ बढ़ता रहता है, यानी ओवरी के अंदर यह अंडा बढ़ता रहता है और अप्रॉक्सीमेटली पीरियड के 14वें दिन यह अंडा ओवरी से फूटता है और यह फूट कर यह अंडा नली में ले लिया जाता है, जो कि 24 घंटे तक जीवित रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी से इसका क्या संबंध है? जब भी कभी महिला को ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की इस ओवरी में नहीं मिलते हैं, तो दूसरे तीसरे चौथे दिन तक आते आते यह अंडा यहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। और यही सारे अंडे जब इस ओवरी के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, हर महीने के ये सारे अंडे ओवरीज के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और हम इसको कहते हैं पॉली, यानि कई सारे सिस्ट, यानि पानी भरी हुई गांठें ओवरीज के अंदर। अब यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम का मतलब है कि किसी भी महिला में 4 या 5 लक्षणों में से अगर 3 से 4 लक्षण हैं तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। यह जो डिसऑर्डर है ये 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं में पाया जाता है। नंबर एक, जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा है, 70% ओबीस, यानी कि जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा है उनमें मिलता है, हालांकि 10 से 30% जो कम वज़न की बच्चियां हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम देखने में मिलती है। वज़न के साथ साथ जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा सिम्टम है कि पीरियड ऐसे लोगों में, महिलाओं में या बच्चियों में कम आता है और 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आता है। उसका भी कारण यही है कि महिला को ईस्ट्रोजन हार्मोन ना मिलकर पुरुष का हार्मोन्स या एंड्रोजन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से में पीरियड्स कम आते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट समस्या इन लोगों में देखते हैं वो मुस्टैचेस पे बाल आना, चिन पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, पीठ पे ज़्यादा बाल होना या पूरे ही शरीरों में बाल ज़्यादा भी होते हैं और बाल की थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। चौथी इम्पॉर्टेंट समस्या आती है अगेन मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से, एक्ने, पिंपल्स, दाने चेहरे पर ज़्यादा आते हैं, मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं।
पांचवी इम्पॉर्टेंट समस्या आती है इनफर्टिलिटी की ऐसी महिलाओं में, क्योंकि इनमें अंडा जो बनके फूटना चाहिए वह अंडा बनके नहीं फूटता, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता, उसकी वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो यह सारी कुछ समस्याएं होती हैं, और इनमें से अगर दो या तीन सिम्टम्स भी किसी महिला में अगर हमको मिलते हैं तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की डायग्नोसिस की तरफ ले जाते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ इस तरीके की ओवरीज की पिक्चर मिलती है जिसमें छोटे छोटे कई सारी सिस्ट जो कि 2 से 3 मिलीमीटर की होती हैं वो 15 से लेकर 30-35 तक एक ओवरीज में मिल सकती हैं, जिसकी वजह से हम उसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस हम बनाते हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के टेस्ट करके बनाते हैं। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो एंड्रोजन्स को ज़्यादा बनाता है, पुरुष के हार्मोन को ज़्यादा बनाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ईस्ट्रोजन को बनाता है वो कम मिलता है, तो ऐसे केस में पीसीओडी की डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। तो यह वो सिम्टम्स हैं और यह वो टेस्ट है, और पीसीओडी क्या है इस वीडियो में हमने ये जाना। पीसीओडी से क्या बचाव हम कर सकते हैं, क्या पीसीओडी की इन सारी समस्याओं का हमारे पास कोई इलाज है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने एपिसोड 2 पीसीओडी में।